झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा ने मंगलवार की शाम बिष्टुपुर थाना के सामने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला फूंका। आपको बताया चले कि इसका नेतृत्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बवन राय कर रहे थे। कार्यक्रम में शामिल झामुमो नेता पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि ओडिशा सरकार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन को नजरबंद करके बहुत बड़ी गलती की है। वो आदिवासियों की जमीन हड़पने का विरोध करने पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें नजरबंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हिदायतुल्ला खान ने कहा कि ओडिशा झामुमो के प्रदेश अध्यक्ष अंजनि सोरेन के समर्थन में पार्टी और हजारों कार्यकर्ता ओडिशा मार्च करेंगे। ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। ओडिशा सरकार आदिवासियों की जमीन को जबरन लेने का काम छोड़ दे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बवन राय ने कहा कि झामुमो ओडिशा सरकार द्वारा जबरन आदिवासियों की जमीन लेने का विरोध करेगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ओडिशा सरकार के खिलाफ अंजनि सोरेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। खैर, देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या कुछ होता है। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।